गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। और हाँ, अगर आपने सोच लिया है कि ब्लॉगिंग से ही अर्निंग करनी है तो दोस्तों मैं आपको एक हाईली रिकमेंड पॉइंट बता दूं। दोस्तों यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी फेक वीडियोस हैं जिनको लेके अपने ब्लॉग में कुछ भी बताया जाता है कि ऐसे करके कुछ भी, बिकॉज गाइस ये सब चीजें मैं फेस कर चुका हूँ। और जो फ्रेशर होते हैं वो लोग यही फेस करते हैं और इसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है दोस्तों, हम कोई काम करते हैं और उसमें अच्छे से हमें सक्सेस मिलती जाती है तो हमारा मन भी लगा रहता है, लाइफ टाइम तक हम उससे डिमोटिवेट नहीं होते। अगर एक बार हमें वहां से डिमोटिवेशन मिल जाती है तो हमारा वो काम करने का मन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपना मन ऐसे ही बनाए रखना, किसी भी गलत वीडियो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो मत करना। बिकॉज यूट्यूब पे स्टार्टिंग में फ्रेशर यही करते हैं कि यूट्यूब पे अगर हमने सोच लिया है कि ब्लॉगिंग करनी है तो हम बस वही सर्च करते हैं कैसे कस्टमाइज करें, कैसे एडसेंस का अप्रूवल लें। और काफी यूट्यूबर्स ये बताते रहते हैं ये कर दो अप्रूवल मिल जाएगा एक दिन में 24 घंटे में। तो दोस्तों मैं आपको मेन चीज बताता हूं, बेशक ही सब्सक्राइब कम है बट गाइस एक दिन ये बढ़ेंगे, आई नो, बिकॉज मैं जेन्युइन कंटेंट डेली अपलोड कर रहा हूं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर देना, बिकॉज सब्सक्राइब टारगेट एम रखते हैं 5K सब्सक्राइब का, तो प्लीज यार कर देना। तो मैं जो बताने वाला था वो गाइस बेहद ज्यादा यूजफुल है, वो ये है दोस्तों कि अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो प्लीज एक लोगों को ही फॉलो करें और उसी को फॉलो करते रहें। बस अगर आपके ऑर्गेनिक गूगल से व्यू आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट अप्रूव्ड हो जाएगी, वो भी फर्स्ट टाइम में। जी हाँ गाइस, आई प्रॉमिस यू, ट्रस्ट मी गाइस, फर्स्ट टाइम में आपकी साइट अप्रूवल हो जाएगी। एज यू कैन सी गाइस, मेरे यहाँ पे ओनली 8 पोस्ट है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। और आप मेरे ब्लॉग को भी विजिट करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, मैं आपको फटाफट से ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जेन्युइन ट्रैफिक जनरेट करना है, किस तरीके से आपको आर्टिकल पब्लिश करना है जिससे हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। और अगर आपका ऑर्गेनिक व्यू होगा और लाइफ टाइम तक बढ़ता रहेगा तो दोस्तों आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। जरूरी नहीं है कि एडसेंस का अप्रूवल से ही अर्निंग होने लगती है गाइस, उसके बाद मेन हार्डवर्क स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो मेन फोकस करते हैं ट्रैफिक पर, सो फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना जो ब्लॉग है वो अच्छे से एडसेंस फ्रेंडली कस्टमाइज कर लेना है, उससे कोई प्रॉब्लम ना आए। इस पे गाइस हमें हाई टेंट डेली पब्लिश करना है, डेली गाइस याद रहे आपको एक भी गैप नहीं करना है। एक महीने तक डेली आपको एक आर्टिकल बढ़िया से जिस तरीके से इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको पब्लिश करना ही करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने जाना है गूगल ट्रेंड पे, एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे हमारा गूगल ट्रेंड का डैशबोर्ड है। जब आप यहाँ पे आ जाओ सिंपली गाइस आपको लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्चेस यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना। मैं जो बता रहा हूँ गाइस वो ध्यान से देखना, बिकॉज मैं जो ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ जिस तरीके से जो चीज कर रहा हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसका रिजल्ट गाइस 101% मिलता है। अब सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे डेली सर्चेस एंड रियल टाइम सर्चेस दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको रियल टाइम सर्चेस में जाना है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में पहले से ही पता है तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कर देना, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप बताने वाला हूँ जिसमें आप जो करते हो वो अलग है और जो मैं बताने वाला हूँ वो अलग है, जिससे आपको कंटेंट राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब आपको रियल टाइम सर्च पे कर लेना है, देन आफ्टर आपको आ जाना है कैटेगरी पे, ठीक है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिंपली चूज कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं टैग वाली कैटेगरी के आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ तो मुझे टैग यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है एंड इनमें से ये जो आर्टिकल्स आ गए, ठीक है, ये ट्रेंडिंग में चल रहे गाइस, इनकी सर्चेस ज्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 आवर्स है, इसका जो ग्राफ है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें काफी ट्रैफिक मिलने की संभावना है, ठीक है। और इसका ये नीचे आ रहा है एंड देन यहाँ पे देखिए ये मेंटेनेंस है क्रिप्टो करेंसी, इसका CPM गाइस हाई जाता है, जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड कंटेंट रहते हैं उनका CPM बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो नॉर्मली हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इससे रिलेटेड गाइस यहाँ पे आपको सारा कुछ वॉल्यूम्स वगैरह ये कीवर्ड दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्चेस टाइम 74, तो यहाँ पे ये लगभग रेंडमली चल रहा है और गूगल के सर्च ट्रेम में, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने अब क्या करना है वो सुन लीजिए, आपको रिलेटेड क्वेरीज ये देखिए यहाँ पे इतने सारे टैग्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये टैग्स आपको अपने ब्लॉग में यूज करना है। सो गाइस जो इंटरनेट पे जो भी हम क्वेरी सर्च करते हैं तो वहां पे हमें ये कीवर्ड दिखाई देते हैं, जैसे कि ये है रिलेटेड क्वेरीज, ऐसे पीपल आल्सो सर्च दिस, ऐसे करके आपने बहुत बार देखा होगा सर्च टर्म्स में जब हम सर्च करते हैं
तो यहाँ पे ये वाले कीवर्ड भी आपको अपने उसमें यूज करने हैं। किस तरीके से यूज करने पे, जिस तरीके से ये ब्लॉग लिखे हुए हैं आप लोगों ने सिंपली एक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पे पूरा ये देखिए ओपन हो गया। अब गाइस इस ब्लॉग को हमें अपने ब्लॉग पे लिखना है विदाउट कॉपीराइट। अब वो दोस्तों कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपली हमने सबसे पहले तो मैं आपको एक पैराग्राफ कॉपी करके एंड वो अपने ब्लॉग पे कस्टमाइज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला एक पैराग्राफ सिंपली हमने ये कॉपी कर लिया। तो देन गाइस कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सिंपली गूगल पे जाना है एंड देन वहां पे आपको सर्च करना है आर्टिकल रीराइटिंग, ठीक है। काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे बट मैं जो इस तरीके बता रहा हूँ वो गाइस फॉलो करना, टिप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करना जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। काफी लोग ऐसे होते हैं वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो उससे गाइस उन्हीं का लॉस है, बिकॉज जो चीज मैं बता रहा हूँ वो काफी यूजफुल होने वाली है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पेस्ट योर कंटेंट हेयर फॉर रीराइट। तो सिंपली आप लोगों ने वही कंटेंट एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड देन गाइस सिंपली आपको रीराइट पे क्लिक कर देना, ठीक है। रीराइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोसेस होगा और यही आर्टिकल कुछ अलग वर्ड में रीराइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लें और यहाँ पे प्रोसेसिंग दोस्तों हो रही है। एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे हमारा रिजल्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल रीराइट होके रेडी हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसे कॉपी कर लेना। सो सिंपली गाइस अब हम चेक करेंगे कि ये 100% कॉपीराइट फ्री है या नहीं, आई मीन यूनिक है यानी 100%। सो सिंपली आप लोगों ने वहां से वो पैराग्राफ, गाइस मैं ओनली आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सिंपली वो पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और यहाँ पे चेक प्लेग्राम पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ओनली मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे रखा था, आप यहाँ पे ऐसे ही 3-4 पैराग्राफ रख के एंड उसे रीराइट कर सकते हैं और उसमें कुछ अपना मसाला थोड़ा सा बना के और एक अच्छा सा ट्रेंडिंग कॉन्टेंट वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि सर्च में रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी तरीके से मैं ऑर्गेनिक व्यू ले रहा हूं दोस्तों। एज यू कैन सी हेयर यूनिक कंटेंट 101%। सो हमारा ये वाला आर्टिकल है वो 101% यूनिक। अब आप अपने ब्लॉग पे जाएंगे एंड वहां पे पोस्ट ऐड करके और गाइस इसी तरीके के सारे वहां से जितने भी सर्चेस, जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या फिर कह लो जो टैग्स सर्च में रैंक कर रहे हैं उन टाइटल पे जितने भी ब्लॉग्स हैं उनसे ब्लॉग इंफॉर्मेशन ब्लॉग से निकाल के अपने ब्लॉग में अच्छे से गाइस डेकोरेट करके वहां पे राइट करें। सो आप स्मार्टली वर्क करोगे तो बहुत अच्छे से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी यार ये वाली ट्रिक, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके ब्लॉग से लेके कोई भी क्वेरी है तो दोस्तों हमें बेझिझक होके कमेंट लीव करें, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। और हां दोस्तों खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।